सो गाइस फाइनली आज हम बाइक डिलीवरी लेने वाले हैं MT15 बाइक ब्लैक एडिशन फुल पावर। ये रहा गाइस ब्रह्मपुत्र आगे, तो ब्रह्मपुत्र पार होके भाई पूरा गुवाहाटी। बहुत सारे भाई लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने MT15 लिया था, फैल्कन भैया, आनंद भैया, कहाँ गया आपका MT15? तो मैं बता दूं आप लोगों को। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप गाइस आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। एंड गाइस आज आपका भाई ना बिल्कुल आधे रास्ते से ब्लॉग शूट कर रहा है, ये देख सकते हो गाइस, बिल्कुल हाईवे पे हूँ मैं। गाइस मैं अभी जा रहा हूँ गुवाहाटी। अगर आप लोगों ने हमारी लास्ट वाली ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा मैं घर आया था एक बहुत ही बड़ा मीटअप के लिए। तो भाई यार नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था यार वो मीटअप भाई। अगर आप लोगों ने हमारी लास्ट वाली ब्लॉग नहीं देखा है ना तो जाके गाइस देखो यार, एक बार मज़ा आ जाएगा। सो गाइस आपका भाई का लाइफ का पहला मीटअप था, ठीक है ना, वो भी सोनू भाई के थ्रू हो पाया। तो सोनू भाई को भी तहे दिल से थैंक यू सो मच। मिलियन लोगों से भाई मैं पहली बार भाई लाइफ में ना फर्स्ट टाइम गाइस एक साथ बैठा हूँ भाई, मज़ा आ गया यार कसम से यार, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे भाई बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर लोग आए थे और बहुत सारे ऐसे भाई लोग आए थे जो कि ब्लॉग बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो भाई उन लोगों से भी कुछ सीखने को मिला एंड कुछ सिखा के भी आया हूँ, तो भाई नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था गाइस। बाबू ऐसे ना ना है बाबू कथा से रूमर कौन तो रूमर तुम्हें क्या हो पा सकते हो बताओ ना ओपन भाई के रूमर है माने गॉड है मो ड्यूटी पे ही है। ए हे हे ठीक है से दे देने। हो बड़े ओके। सो गाइस अभी हम हैं अशोक भाई के रूम पे। तो एक भाई को कॉल करा था, मतलब एक छोटा सा भाई है प्रियव्रत करके, वो बहुत दिन से बोल रहे थे कि जब भी गुवाहाटी आओगे तो हमसे मिलना। अभी हम गौरीपुर में रुके थे तो यहाँ पर देख सकते हो अशोक भाई हमारे पास ही है। अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस उस भाई को मिलने के लिए, वो रूम पे है कि नहीं अभी जाके मिलते उनसे भाई, छोटा सा भाई है भाई। सो माय डियर फैल्कन आर्मी, हम गए थे उस छोटे से भाई को मिलने के लिए, बट वो भाई ना घर पे नहीं था, ट्यूशन पे चला गया था। वो भाई हमें बोल रहे काफ़ी दिनों से कि आनंद भैया जब भी गुवाहाटी पे आओगे तो हमसे मिलकर जाना, सब्सक्राइबर कम, वो अपना भाई ज़्यादा था, बट भाई से नहीं मिले, कभी फिर मिलेंगे। लेकिन गाइस अभी हम आ चुके हैं ये धीर्घेश्वरी टेम्पल पे, फिर ना आधे रास्ते तक आ चुके हैं चढ़ के एंड फिर हमको जाना है बहुत ऊपर तक। ये देख सकते हो भाई पूरा सीढ़ी सीढ़ी है, तो यहाँ पर चढ़ते हुए जाएंगे गाइस फुल पावर। तो चारों ओर देख सकते हो गाइस पत्थर ही पत्थर है एंड भाई बड़ा बड़ा पेड़ भी है, फुल पावर। सो माय डियर फैल्कन आर्मी, हम लोग पहुंच चुके थे धीर्घेश्वरी टेम्पल एंड यहाँ पर है गाइस इतना बड़ा भाई गणेश जी का मूर्ति, ये देख सकते हो गाइस। मेरी फैल्कन आर्मी मांग लो यार क्या क्या मन्नतें मांगना है। तो ये है हनुमान टेम्पल एंड गाइस अभी हम बात करते हैं भाई MT15 के बारे में। पहले एक ब्लॉग अपलोड किया था, वहीं पर हमने बोला था कि हम लोग MT15 देखने के लिए जा रहे, कि एक भाई को चाहिए, उस भाई के लिए हम बुकिंग कराने के लिए जा रहे, तो वही बोला था डिलीवरी लिया था। उस वाले वीडियो में भी हमने बोला है MT15 एक भाई को चाहिए था, फाइनली उस भाई को MT15 मिल गया, ठीक है ना गाइस। तो बहुत सारे भाई लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने MT15 लिया था, फैल्कन भैया, आनंद भैया, कहाँ गया आपका MT15? तो मैं बता दूँ आप लोगों को, MT15 वो मेरा नहीं है, हमारे गाँव का ही एक भाई ने लिया था। जस्ट डिलीवर का वीडियो हमने अपलोड करा था, मतलब हम लोगों ने मिल के बुक करा था गुवाहाटी पर, तो वही सीन है, ठीक है ना। तो बहुत सारे भाई लोग ना कन्फ्यूजन पे थे कि मतलब MT15 तो ले लिया बट आपने वीडियो नहीं बनाया, एक भी वीडियो नहीं डाला, वो MT15 हमारी नहीं है, ठीक है ना गाइस। तो एक भाई का था, बस हमने डिलीवर लिया था, ओके ना गाइस। सो माय डियर फैल्कन आर्मी, ये रहा मेन गेट श्री श्री धीर्घेश्वरी देवालय, ये है मेन गेट मंदिर का। तो अभी हम लोग अंदर जाते हैं फुल पावर, तो कुछ ऐसा है गाइस, ठीक है ना, बहुत ही शांति एंड कूल प्लेस है, कोई एक पर्सन भी नहीं है भाई, एक बंदा भी नहीं, एक शोर शराबा नहीं यार, इतना शांति सुकून। एंड इस साइड पे है मंदिर, ये फुल पावर। ये और एक गेट रहा, तो एक खतरनाक गेट है यहाँ पे, फुल पावर। ओ गाइस ये तो रिकमेंड प्लेस है, आप लोग कभी आना गाइस, गुवाहाटी दिखाता हूँ गाइस, गुवाहाटी यहाँ से नेक्स्ट लेवल। चेक दिस गाइस, भाई पूरा गुवाहाटी दिख रहा है। हाँ थोड़े से दूर है, ये रहा गाइस ब्रह्मपुत्र आगे, तो ब्रह्मपुत्र पार होके भाई पूरा गुवाहाटी।
एक्चुअली गाइस ये जो लोकेशन है ये नॉर्थ गुवाहाटी में पड़ता है, मतलब हमारा जो अशोक भाई है इसके आसपास ही रहता है। अगर आप लोग कभी आना चाहते हो तो भाई आ सकते हो। दीर्घेश्वरी टेम्पल बहुत ही शांति एंड सुकून का प्लेस है, बहुत ही मेरे को तो आके भाई मज़ा ही आ गया। एंड गाइस आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो गया होगा, MT 15 हमारी नहीं है भाई, तो हम तो प्लानिंग ही कर रहे थे 20 KP यामा की बाइक लेने के लिए, बट हमारा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है इसलिए हम अभी ले नहीं पा रहे, बट हम जल्द ही लेंगे, ठीक है ना गाइस। तो MT 15 मेरा नहीं, हमारा दोस्त का था, जस्ट हमने डिलीवरी का वीडियो अपलोड किया था, ठीक है ना। अब डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो गाइस दिल से लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं कुछ ऐसे धमाकेदार वीडियो में। तब तक सभी लोग खाओ पियो मस्त रहो गाइस, बाय बाय।